ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 17 सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हित में अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सहमति दे दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सत्रह साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब थल सेना में महिलाओं को बराबरी का हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन सभी महिला अफसरों को 3 महीने के अंदर आर्मी में स्थायी कमीशन दिया जाए जो इस विकल्प को चुनना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद अब आर्मी में महिलाओं को पुरुष अफसरों की बराबरी का अधिकार मिल गया है। दरअसल SSC में 14 सालों से स्थायी कमीशन अभी तक सिर्फ पुरुषों को ही मिल रहा था, इसमें महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है जो महिलाओं के हक को ध्यान में रखकर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, थल सेना में महिला अफसरों को कमांड पोस्टिंग नहीं देने पर पूरी तरह से रोक लगाना बेतुका है और बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। महिलाओं को कमांड पोस्टिंग का अधिकार मिले। बता दें कि कोर्ट ने इसके लिए समय भी दे दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है, सरकार अपनी मानसिकता को बदले, साथ ही 3 महीने के अंदर महिलाओं के लिए सेना में स्थायी कमीशन का गठन भी किया जाए और महिलाओं को स्थायी कमीशन से इनकार का कोई कारण नहीं है। गौरतलब है कि 17 साल पहले यानी सन 2003 में बबीता पुनिया पहली महिला वकील थी जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की थी। उनके बाद 9 महिला अफसरों ने सन 2009 तक हाई कोर्ट में इसी मुद्दे पर अलग अलग याचिकाएं दायर की। सन 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुनाया और महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। उस वक्त हाई कोर्ट ने कहा, यह साफ किया जाता है कि जो महिलाएं अफसर रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची हैं, उन सभी को स्थायी कमीशन दिया जाए, साथ ही उन्हें प्रमोशन जैसे लाभ भी दिए जाएं। हम महिलाओं पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार दिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकार में बोलते हुए कहा कि महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। वहीं केंद्र का कहना था कि सेना में कमांड पोस्ट की जिम्मेदारी महिलाओं को नहीं दी जा सकती, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कमांड पोस्ट पर महिलाओं को आने से रोकना समानता के विरुद्ध है। साथ ही साथ कोर्ट ने आगे कहा कि महिलाओं को समान मौके से वंचित रखने का मतलब उन्हें परेशान करने जैसा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सन 2010 में फैसले में कहा था कि महिला सैनिकों को सेना में स्थायी कमीशन मिलना चाहिए, लेकिन महिलाएं इस कमीशन को पाने से वंचित रह गई थी। इतने सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब महिलाओं को उनका हक मिला है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।